और माननीय अध्यक्ष जी, यहां तमिल सेंटीमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई। राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है, तोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महाकवि, माननीय अध्यक्ष जी, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जो लिखा था, मैं यहां दोहराना चाहता हूं। तमिल भाषी लोग मुझे क्षमा करें, मेरे उच्चारों में कोई गलती हो तो, लेकिन मेरा आदर और मेरी भावना में कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनित नुलेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नांडेघल नाड़े पोट रुओम इकते इमक किलेडे। इसका भावार्थ जो उपलब्ध है वो इस तरह का है। सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं, जो उन्होंने तमिल भाषा में कहा है उसको मैं अनुवाद, जो भाव मुझे उपलब्ध हुआ है, मैं कह रहा हूं। सम्मानित जो सकल विश्व में, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। सुब्रमण्यम भारती कह रहे हैं, गाएंगे यस हम सब इसका, गाएंगे यस हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती जी की कविता का भाव है। ये वो संस्कृति है, और मैं आज तमिल के सब नागरिकों को सैल्यूट करना चाहूंगा। जब हमारे सीडीएस रावत दक्षिण में हेलीकॉप्टर के अकस्मात में उनका निधन हुआ, और जब उनका बॉडी तमिलनाडु में हवाई अड्डे की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था, मेरे तमिल भाई, मेरी तमिल बहनें लाखों की संख्या में घंटों तक कतार में खड़ी रही थी रोड पर, कोई सूचना नहीं, संदेश नहीं, इंतजार करते खड़ी रही थी। और जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपा कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। माननीय सदस्य,
माननीय सदस्य प्लीज, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं ये अपराधिक आचरण आपका ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा नहीं है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं वो यहाँ अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी, इसमें भी विफलता मिलेगी।